मां खोपड़ी तो खा लेगा उधर 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 हां आ गया गया इधर जा इधर जा इधर जा अबे देख कौन गोली मार फायर कर रहे हैं अब अपनी काम डिस्टर्ब मत करो भागो अभी भागो करो अब मतलब अब फिर से देख देख खोपड़ी उधर उधर आ रहा है मार 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 इधर इधर हां ठीक है इधर अरे अरे इधर रे इधर इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ कर रहे हो जब जा रहा था तब भी तुम लोग यहीं बैठे हुए हो। मेरा एक काम हो गया 3 घंटे में और तब भी तुम लोग यहीं बैठे हुए हो। अबे यार पूरी जिंदगी काम काम करते रहेगा, ये तो अभी स्टूडेंट लाइफ है, एंजॉय फुर्ती करना टाइम है, टाइम पास करो। आगे बैठ वीडियो देख, मतलब अभी तू भी टाइम पास कर रहा है। तू भी टाइम पास कर रहे हो? नहीं यार मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। दिमाग खराब करने लगा। अरे चल चल मुंबई देखते हैं। अरे रुक सूरज को फोन कर दे, उसको मत बोलना मुंबई एक लेने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ सूरज, हाँ आ जा जल्दी आ जा, कुछ काम है आ जा। हाँ यहीं पर आ जा। बहुत देर हो गया यार। कितना टाइम हो रखा है अपना? अरे क्यों बुलाया, चल मूवी देखने चलते हैं। चल 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 मूवी देखते हैं। अरे यार मुझे लगा तुम दोनों कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए बुलाया, और तुम लोग मूवी देखने के लिए बुला लिए। हाँ तो क्या, चल ना तो टाइम पास कर ले, सब तो हर वक्त तो काम और पढ़ाई करता रहता है। चल चल चल। नहीं भाई मेरे पास टाइम भी नहीं और पैसा भी नहीं। अरे पैसे क्या करते, हम पैसा दे देंगे। चल चल ना भाई चल। अरे नहीं नहीं भाई मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। चल यार देख बता रहे हैं, सुन लो मेरे पास अभी टाइम है, कुछ पढ़ ले कुछ कर ले, नहीं तो बाद में पछताओगे। ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। हो गया तेरा ज्ञान देना, तेरे को मूवी नहीं देखने जाना है, मत जा, लेकिन फोकट ज्ञान मत है। चल निकल, सुन तो ले। निकल 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 चल। अरे सूरज ने तुमको ही बुलाया है? हाँ क्यों बुलाया? पता नहीं। सूरज नहीं गाड़ी पूरा सूट वूट होता है तो गेटअप भी चेंज हो गया, जब मस्त हीरो जैसा लग रहा है। अरे हीरो जैसा लग रहा है। अचानक से ना कोई काम, पूजा त्योहार अचानक से आ गया। अरे एक बहुत बड़ा काम है इसीलिए आया हूँ। क्या काम है? चल बाद में बताता हूँ, बैठ जा बैठ जा, पार्टी वाली देते हैं ठीक ना। बैठ गया? हाँ बैठ गया बैठ गया। अरे सॉलिड खाना था भाई, बहुत मजा आ गया। अरे वो सब छोड़, अच्छा ये बता तुम लोग का क्या चल रहा है अभी? ग्रेजुएशन कर गए, डिग्री हाथ में ले बेकार बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं। अरे इस देश का कुछ नहीं होने वाला। अरे ये सब छोड़, तेरा वो बड़ा काम क्या है बता? शादी वादी करना है क्या? अरे नहीं यार कल वोट है ना, तो इसीलिए मैं वोट देने आया हूँ। क्या क्या तू और वोट, जो 5 रुपये खर्चा नहीं करता, 10 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करता था, वो केरला से यहाँ आया वोट देने? हाँ यार वोट सबका अधिकार है, सबका दायित्व है, वोट तो देना पड़ेगा। तू पॉलिटिक्स करता है? नहीं यार ना, नहीं यार इसीलिए बेटा तेरी नौकरी लगा, तू सब नेता होता है घूस देकर नौकरी लगाए ना। अरे अरे बेटा नहीं 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 क्या, कहाँ का लिंक कहाँ जोड़, कोई लिंक विंक नहीं, तू घूस दे के नौकरी। अरे नहीं यार मैं अपने देश के लिए वोट देने आया हूँ, देश की तरक्की के लिए वोट देने आया हूँ। देश की तरक्की? सब नेता एक जैसे होते हैं, किसी को खुशी से मतलब नहीं, सिर्फ पैसा से मतलब है। एक तरफ गरीब गरीब और अमीर होता जा रहा है। तुझको भी ऐसे ही नौकरी मिला है, रिश्वत देखिए, और वोट देना है। तेरे एक वोट से देश का कुछ नहीं हो सकता, चाहे देश बाहर में चल जाए, नेता सिर्फ पैसा से मतलब है। तुझमें धिक्कार है भाई। सुन 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 बैठो, हम बताते हैं। मैं तू भी बैठ, बताते हैं। सुनो तुम लोग जो इतना लंबा भाषण दे दिए ना, इसका हर सवाल का जवाब है मेरे पास। इससे पहले तुम लोग को बहुत बार समझाया हूँ, पर एक दोस्त बन के आज तुम लोग को एक इंडियन बन के समझाऊंगा। तुम लोग को लगता है वोट देने आया हूँ इसका मतलब पॉलिटिक्स करता हूँ, रिश्वत दे के जॉब मिला है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने दम पर मेहनत करके जॉब लिया हूँ। मैं पहले भी तुम लोग को बोला था कि कुछ कर लो,
गेम मत खेलो, टाइम पास मत करो, लेकिन तुम लोग समझे नहीं। तुम जैसे लोग इसको लगता है कि नेता लोग कुछ नहीं करते, पैसे खाते हैं, देश का तरक्की नहीं हो रहा। देश किसी एक आदमी का नहीं है, हम सबका है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग के लिए, तुम लोग अपने देश के लिए क्या किए हो? कभी ब्लड डोनेट किए हो? नहीं। कभी किसी एनजीओ में गए हो? नहीं। और तुम लोग दूसरे को दोष देते हो कि तुम लोग को कोई उंगली दिखा के बताता नहीं है कि तुम लोग का गलती कहाँ है। तुम लोग अपने पढ़ाई ठीक से नहीं करते, अपना काम ठीक से नहीं करते और लोग को दोष देते हो। अरे देश हम सबका है, हम सबको मिलकर बनाना होगा। और वोट से क्या होगा? तुम्हारा एक वोट देश का भविष्य बदल सकता है, क्योंकि तुम जैसे लोग समझते हो वोट देना बेकार का चीज़ है, पैसा देगा तो उसको वोट दूंगा, ऐसा नहीं है। तुम जैसे बिना पढ़ाई करके आज पछता रहे हो ना, वैसे तुम्हारा एक गलत वोट पूरा देश को पछता सकता है 5 साल। इसीलिए अपना वोट के पावर को जानो और बाहर निकलो और देखो कौन नेता तुम्हारे देश के लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे वोट देना है, मैं इसीलिए आया कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। और वोट देना सिर्फ एक काम नहीं है, वोट देना एक बहुत बड़ी काम है। इसके लिए तुमको पहले ये जानना होगा कि कौन सा नेता कहाँ क्या काम कर रहा है, कौन सा नेता घोटाला कर रहा है। अगर तुमको देश को सुधारना है तो देश की तरक्की में जाओ, आईएएस बनो, आईएएस ऑफिसर बनो। अगर उससे भी ज़्यादा सुधारना है तो पॉलिटिशियन ही बन जाओ, क्योंकि नाली साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ता है। और जैसे बोल रहे हो कुछ नहीं होने वाला देश का, देश कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। इसलिए उठो जागो और वोट देने का क्षमता रखो, क्योंकि तुम्हारा एक वोट पर देश को बदल सकता है। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, मुझे नहीं पता था कि एक वोट की कीमत इतना होती है। मैं वादा करता हूँ कि मैं मेरे वोट और मेरे परिवार का वोट अपने देश के नाम करूँगा। ऑल द बेस्ट भाई, क्योंकि हमारा वोट ही हमारा देश को बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। Hey guys, thank you for this watching the video. ये वीडियो आपको ये बताने के लिए था कि एक वोट का कीमत क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।